गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी। सेकेंड चैप्टर है कच्छ की सैर। इसके राइटर है हरेश धोलकिया और इसका साहित्य का प्रकार है यात्रावृत्त। यात्रावृत्त यानी उन्होंने की हुई यात्रा के दौरान जो लिखा हुआ साहित्य हो है उसे यात्रावृत्त के नाम से पहचानते हैं। कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक थे, शिक्षकत्व उनकी पहचान बन गई। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का अपने उन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक के किया है। शिक्षण कार्य के उनके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारत्व उनके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। उनका सृजन कार्य अगंदोपंख 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में उन्होंने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यह उनकी कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत किया है। तो कच्छ गुजरात राज्य का एक जिला है। भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है। भुज कच्छ का मुख्य नगर है। इस पाठ में कच्छ प्रवेश के बारे में बहुत सी जानकारी हमें बहुत ही रोचक ढंग से दी गई है। पहले है अनूठा रेगिस्तान। अनूठा यानी अनोखा। तो कच्छ के दो रेगिस्तान हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इनमें रेगिस्तान यानी रेतीला प्रदेश, लेकिन यहाँ पे रेत नहीं पाई जाती, इसलिए वे अपनी तरह के अनूठे रेगिस्तान हैं। दूसरा है श्यामखियाली। तो श्यामखियाली, इसे कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। इसके उत्तर में रापर और धोलावीरा नगर है। धोलावीरा में मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। श्यामखियाली की पश्चिम ओर हम पश्चिम दिशा की ओर में बचाव, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी जैसे औद्योगिक नगर है। आदिपुर में गांधी स्मृति केंद्र है। इसके पास ही कंडला बंदरगाह है। भद्रेश्वर, मुंद्रा और मांडवी। कंडला के दक्षिण में जैनों का प्राचीन यात्रा धाम भद्रेश्वर है। मुंद्रा का विकास एक बंदरगाह के रूप में हुआ है। मांडवी बहुत सुंदर बंदरगाह है और प्राचीन नगर है। यहाँ कई स्थान दर्शनीय है। फिर है नलिया। यह प्रसिद्ध नगर है, शहर है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। नारायण सरोवर, यह अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है। कोटेश्वर यहाँ का दर्शनीय मंदिर है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बड़े आकर्षक होते हैं। लखपत, इस प्राचीन स्थल में किसी समय गुरु नानक पधारे थे। यह भूमि उनके चरण रस से पावन हुई है। यहाँ एक गुरुद्वारा है। हाजीपुर, यह स्थान मुसलमानों का श्रद्धा केंद्र है। पास ही नखत्राणा अपने प्राकृतिक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। भुज, यह कच्छ का मुख्य केंद्र है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन आदि कई दर्शनीय स्थल है। यहाँ का हमीरसर तालाब प्रसिद्ध है। यहाँ विश्वविद्यालय भी है, यानी कच्छ में वहाँ पे विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी भी है। काला पहाड़, इस पहाड़ पर प्रतिवर्ष रणोत्सव का आयोजन होता है। जैसल तोरल की समाधि अंजार में जैसल तोरल की स्मृति में बना मंदिर दर्शनीय है। और लास्ट में है सूरजबारी। यहाँ से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। तो कच्छ
बहुत दिन घर पर रह गए, तो आज हम आपको घुमाने जाएंगे कच्छ। तो कच्छ विशाल भारत का एक दर्शनीय प्रांत है। दर्शनीय यानी देखने लायक, प्रांत यानी प्रदेश है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। इतना बड़ा भारत देश है तो हर देश का, देश के हर एक प्रांत का अपना एक निजी सौंदर्य भी है और महत्व भी है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। अनूठा यानी अनोखा। विशाल भारत का एक राज्य है गुजरात, और उसकी सौंदर्य, उसकी सुंदरता भी है, और उसके साथ साथ गुजरात एक अनोखा राज्य भी है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। रमणीय यानी सुंदर, रमणीय यानी सुंदर। कच्छ का, कच्छ एक जिला है गुजरात का, और उसमें उसका एक अत्यंत सुंदरीय ही प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। यात्री जो प्रवासी आते हैं, टूरिस्ट, उनके लिए कच्छ एक आकर्षण यानी अपनी ओर उसकी सुंदरता के कारण वो उनको अपनी ओर खींचते हैं। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। पौराणिक, वेद और पुराण, वेदों की रचना हुई, उसके बाद पुराणों की रचना हुई। तो पुराणों जिस वक्त उनकी रचना हुई, उसी वक्त से बनाए हुए, उसी वक्त के यहाँ पे दर्शनीय स्थान है, उसे कहा जाता है पौराणिक, जो पुराणों के समय का जो होता है धार्मिक। उनके अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम, वैविध्य यानी विविधता के कारण उसे म्यूजियम यानी संग्रहालय भी कह सकते हैं। तो कच्छ गुजरात का एक जिला है, दिखने पे बहुत सुंदर है, जो यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कच्छ यात्रा करते वक्त सबसे पहले हमें कच्छ के दो रेगिस्तान हैं। एक है बड़ा रेगिस्तान, दूसरा है छोटा रेगिस्तान। जैसे हम कच्छ में प्रवेश करते हैं तो हमें रेगिस्तान के दो भाग दिखने को मिलते हैं। दो भाग दिखते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेगिस्तान तो क्या होगा, रेतीला प्रदेश। रेगिस्तान यानी रेतीला प्रदेश, के जहाँ पर दूर दूर देखने तक हमें रेत ही रेत दिखाई देती हो, तो ऐसा होगा रेतीला प्रदेश। लेकिन ये जो कच्छ का रेगिस्तान जो है, उसमें कोई रेगिस्तान जैसे लक्षण दिखाई नहीं देता। रेत कहीं नज़र ही नहीं आती, अतः यह अनूठा यानी अनोखा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। प्रवेश द्वार यानी प्रवेश करने का मुख्य दरवाजा। तो सामखियाली से कच्छ की यात्रा आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। ये 5000 वर्ष पुरानी मोहनजोदड़ो धोलावीरा के पास से हमें जो मिलता है, पूरा नगर, पुरानी संस्कृति, हमारी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति के दर्शन, यानी उस वक्त के लोग कैसे घरों में निवास करते होंगे, ऐसी सभी जानकारी वहाँ के प्रदेश देखने पर हमें प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर यह देखकर हमें प्राचीन है, लेकिन उनकी जो रहने की
जो रीत थी उनकी, जो पद्धति से वो रहते थे, तरीका उनका जो था, उन तरीके से हमको पता चलता है पुरानी, लेकिन आज उनकी आधुनिकता का हमें वहाँ के दर्शन होते हैं। सांखियाली से पश्चिम की ओर यात्रा करते बचाव नजर आता है, जो बड़ा गांव है, जैसे नगर बचाव, लेकिन वो क्या है, एक नगर है। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है, औद्योगिक उद्योगों से संबंधित गांधीधाम है, वहाँ पे उद्योगों संबंधित कारखाने लगे हुए हैं। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। कच्छ में ये तीन बड़े शहर है कि जहाँ पर उद्योग के कारण ये उद्योगों के कारण ये विकसित हुए हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह बड़ा महत्व है। बंदरगाह समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान, बंदरगाह जिसे कहा जाता है। तो ये आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही में कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंडला बंदरगाह है और उसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का दर्जा भी मिला हुआ है, जिनके कारण उनकी प्रजा को अधिक लाभ, विकास जैसे कंडला का विकास हुआ, वैसे ही वहाँ की प्रजा के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक था, महत्वपूर्ण। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कंडला से थोड़े दूर जाते वक्त वहाँ पे क्या आता है, भद्रेश्वर, जो जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम है। जैन एक धर्म है और उन्हीं धर्मों का पवित्र स्थान जो है वो जैन देरासर होते हैं, वही एक है ये जैन मंदिर यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ था। 2500 वर्ष पुराना संगमरमर यानी वाइट पत्थर, जिसे आरस पान हम बोलते हैं, तो उसी पत्थरों से बना, लेकिन 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था तो उस वक्त उस भूकंप में ये के कारण ये थोड़ा खंडित हुआ था, लेकिन उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। पुनर्निर्माण यानी उसको फिर से नया बनाने का काम, जिसे हम रिनोवेशन कहते हैं। तो टूट गया है भूकंप के कारण, लेकिन उसको नया बनाने का काम जोरों से चल रहा है और इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। यहाँ के अनेक उद्योगों के कारण यहाँ पर लोगों को आजीविका में बहुत मुनाफा हुआ है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। तटीय यानी उसके किनारे की, उस किनारे से घूमते घूमते हम फिर कहाँ पहुँचे, मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन ये बंदरगाह भी है और प्राचीन नगर भी है। यहाँ पर यह शहर राजा के महल, पवनचक्कियों तथा समुद्र के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है, पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का मुख्य केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से एक घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आता है, जो अति प्राचीन पौराणिक और धार्मिक स्थान माना जाता है।
इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक के चरण रस से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा सिखों का पवित्र धर्म स्थान, तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रोग खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिससे पानंद्रोग खनिज संपत्ति हमें जो मिलती है वो पानंद्रोग खनिज उत्पादन का एक केंद्र है, साथ ही विद्युत निर्माण का केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार, रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। देखो कहाँ पे आते हैं, पीर की मजार, यानी मुसलमानों का श्रद्धा केंद्र, जैनों का, सिखों का और मुसलमानों का, हिंदुओं का नारायण सरोवर, यानी सभी धर्मों का मिलाव इस कच्छ में हमको देखने को मिलता है। हाजी पीर की मजार जो है, उस मजार से हमें रेगिस्तान की झांकी यानी वहाँ देखने को हमें मिलती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, जो आशापुरी माँ का बहुत प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर भी वहाँ पर है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शन आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वाढ़ाई जैसे मनोहारी यानी देखने लायक प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही इसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनर्निर्माण की ओर सुंदर शहर बना दिया। 2001 में जो भूचाल आया, जो भूकंप आया, उस वक्त वो थोड़ा खंडित हो गया, लेकिन उसके बाद उसके पुनर्निर्माण का कार्य आज भी चल रहा है। भुज के से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ का चक्कर रेगिस्तान की झांकी कर एक अनूठा अनुभव है। उस पहाड़ पर चढ़कर हम रेगिस्तान की अच्छी से झांकी कर सकते हैं। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। जो कच्छ का रेगिस्तान है वो कैसा है, सफ़ेद, उसकी रेत सफ़ेद है, तो उसको देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है, और भुज से वहाँ पर अंजार में जैसल तोरल की समाधि स्थित है, वो भी हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था से यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शन एवं आकर्षण का केंद्र है। तो कच्छ समय आपको जब मिले, वक्त मिले, तो आप एक बार कच्छ की यात्रा अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर हमारी प्राचीन संस्कृति के हमें दर्शन होते हैं, साथ ही साथ धार्मिक आस्था का भी वह केंद्र है। कच्छ में हम एक बात करना भूल गए, कच्छ का जहाज ऊँट कहलाता है, जो रेगिस्तान में हम ज़्यादातर पाए जाते हैं, उसी के सहारे मुसाफरी भी की जाती है। तो कच्छ समय मिले आप यात्रा करना, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना, इसके क्वेश्चन आंसर लिखना। थैंक यू।